जयंत बलैया, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग शामिल किए गए। बीजेपी के ये दिग्गज सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करेंगे। वहीं बीजेपी ने अपने इन पूर्व मंत्रियों को कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को घेरने की अलग अलग जवाबदारी दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ा दिया है। 12 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में अजीत जोगी की पार्टी जेसीसीजे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जेसीसीजे और बीएसपी गठबंधन के केवल 7 विधायक हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कुल 10 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से जेसीसीजे ने बीजेपी से मदद मांगी है। खबर है कि इस सिलसिले में जेसीसीजे प्रमुख अजीत जोगी ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से फोन पर बातचीत की। वहीं कौशल ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर विधायक दल की बैठक में चर्चा के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक गुरुवार को होनी है और इस बैठक में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की नक्सली हत्या हिरासत में आदिवासी युवक की मौत के साथ ही कांग्रेस सरकार के वादों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी किसानों की कर्ज माफी को भी सदन में उठाने की तैयारी में है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, सरकार को घेरने के लिए जेसीसीजे ने बीजेपी के साथ आने के कहीं ना कहीं जिक्र किया या कहा जाए हिंट दिया है। जेसीसी के जो अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, जो अजीत जोगी, अजीत जोगी ने पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को फोन कर ये ऑफर दिया था कि सरकार के 7 महीने में जिस तरीके से कामकाज हुए हैं ये संतुष्ट करने वाले नहीं है और जनता के हित का नहीं है। ऐसे में ये मौका है कि सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में लाया जाए। विधानसभा का सत्र 12 जुलाई से शुरू हो रहा है, मानसून सत्र, और इस मानसून सत्र में ही विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। हालांकि ये प्रस्ताव जो कि कांग्रेस का है, अजीत जोगी ने धर्मलाल कौशिक को फोन कर ये प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसको बीजेपी की ओर से फिलहाल किसी स्ट्रेटेजी पर बातचीत का दौर शुरू नहीं हुआ है। धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि विधायक दल की जब बैठक होगी तो विधायक दल की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और विधायक दल की बैठक में चर्चा के बाद ही ऐसे प्रस्ताव पर किसी तरीके की नतीजों पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन इस बीच बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज को जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, लगता नहीं कि बीजेपी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन के प्रस्ताव पर। हालांकि बीजेपी के पास मुद्दों की बड़ी फहरिस्त है जो सरकार को घेरने के लिए काफी है। भीमा मंडावी की मौत का मुद्दा है, कर्ज माफी का मुद्दा है, किसानों से किए दूसरे वादों का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। ऐसे तमाम पहलुओं की फहरिस्त बीजेपी ने तैयार कर रखी है जिसे जोर शोर से विधानसभा में उठाने की कोशिश बीजेपी करती नजर आ सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक रहे हैं।